हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो है 9460-68-97-61। इस पे आज हमें हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का सोल्व पेपर लेते हैं, उसमें से हम पहले जो पहली अपना यूनिट होता है वो होता है सेट्स एंड प्रॉपर्टीज़, रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ से हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था वो है अपने पास, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग 9 से विभाज्य होता है। अब हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, हमें चाहिए कि गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी जिसको हम सॉल्व करते हैं उसके लिए हम एन बराबर वन के लिए सिद्ध करते हैं कि वो सत्य है। अगर वो एन बराबर वन पे सत्य है तो हम मान लेते हैं कि अगर सत्य है तो ही मानते हैं, नहीं है तो वो फेल हो जाता है रूल। हम फिर एन बराबर के लिए हम मानते हैं कि एन बराबर के लिए सत्य है, हम मान लेते हैं अपनी तरफ से। फिर उसको हम मान के हम सिद्ध करते हैं कि ये एन बराबर के प्लस वन के लिए भी अपना अगर माना हुआ जो अपना ये कथन है सत्य होगा। अगर एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य हो गया तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, गणित आगमन द्वारा माना अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अपनी प्राकृत संख्या मानते हैं, माना एन प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं माना 3n क्रम, 3 चाहिए ना हमें, 3 क्रम जो 3n प्राकृत संख्या क्रमागत, 3n क्रमागत प्राकृत संख्या मानते हैं, जो हम मान लेते हैं n, मान लेते हैं एन प्लस वन, मान लेते हैं एन प्लस टू, ये एन, फिर इसके बाद एन प्लस टू आया, इसके बाद एन प्लस थ्री आया, टू आया, इस तरह से आया है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एन बराबर वन के लिए सत्य है या नहीं ये देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले एन बराबर वन के लिए चेक करते हैं हम। सबसे पहले एन बराबर वन के लिए ये चेक करते हैं। तो हम एन बराबर वन रखते हैं, इसमें जो 3 क्रमागत उनका योग, घनों का योग, तो पहले घन का क्या करते हैं, घन होगा इनका एन क्यूब प्लस एन प्लस वन का क्यूब प्लस एन प्लस टू का क्यूब, ये हो जाएगा। अब हमें एन में एन बराबर वन रखना है, तो एन बराबर वन पर यह आ गया अपने पास वन प्लस टू का क्यूब 8 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 का क्यूब 27, ये आ गया, ये 9 प्लस 27 आ गया अपने पास 36। जो फ्रेंड्स 9 से विभाज्य है ये चेक करना है, तो ये चेक करने के लिए 9 से विभाज्य है, क्योंकि इसमें अगर हम 9 का भाग दें तो ये अपने पास 4 आ जाता है। अब फ्रेंड्स हम अब जो दूसरा अपना स्टेप होता है वो होता है माना कथन एन बराबर के लिए सत्य है, ये हमने मान लिया। तो एन बराबर के लिए सत्य है तो हमने एन बराबर के रख देते हैं, तो के क्यूब प्लस के प्लस वन का क्यूब प्लस के प्लस टू का स्क्वायर इक्वल टू। अब जैसे हमने मान लिया कि एन बराबर के लिए सत्य है, तो ये के लिए 9 से कुछ ना कुछ भाग होगा, जैसे ये 4 बार गया यानी इसको हम लिख सकते हैं 9 × 4, तो इधर ये भी कुछ बार होगा, तो इसको हमने मान लिया 9 × p, मतलब 9 p बार इसमें भाग जा रहा है इसका, हमने ये मान लिया। अब हम सिद्ध करते हैं कि अब हमें सिद्ध करना है कथन n बराबर k प्लस वन के लिए भी सत्य है, भी सत्य है। अब हमें ये सिद्ध करना है, तो एन बराबर के प्लस वन के लिए सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो अपने पास ये इक्वेशन है ना फर्स्ट, इनमें एन बराबर के प्लस वन रखना है, तो ये रख देते हैं हम, ये के प्लस वन का क्यूब प्लस के प्लस टू का क्यूब प्लस के प्लस थ्री का क्यूब। अब ये हमें सिद्ध करना है कि ये इसमें 9 का भाग जाएगा, और जबकि हमें ये पता है हमें इसमें ये के क्यूब प्लस के प्लस वन का स्क्वायर प्लस के प्लस टू का स्क्वायर में 9 का भाग जा रहा है। अब हम जब कोई जब हमें ये पता है तो हम ये कर सकते हैं इसको,
इसको हम के प्लस वन का क्यूब ही रखें, इसे रखें हम के प्लस टू का क्यूब, और इसको खोल दें प्लस, इसको खोल दें तो ये आ जाएगा अपने पास के क्यूब प्लस 3 × 3 9 के स्क्वायर प्लस 327 के प्लस 27 ये आ जाएगा अपने पास। अब जब अपने पास ये आ गया है तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इसको तो के प्लस वन का क्यूब ही रखें, इसे के प्लस, इसको हम के प्लस टू का क्यूब रख सकते हैं। इसमें हम किसी तरह हमें हमें कोशिश करनी है कि के प्लस वन का स्क्वायर है क्यूब है, के प्लस टू का है, किसी तरह के क्यूब भी आ जाए, और जिस तरह से हमें ये कॉमन आ जाएगा तो हम उसकी जगह हम 9p या कुछ ऐसा रख देंगे, तो इससे अपने पास उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये करने के लिए हम के प्लस वन का क्यूब प्लस के प्लस टू का स्क्वायर प्लस, इसको हम अब खोला है हमने तो इसका हम पार्ट बनाते हैं। इसका पार्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसके पार्ट बनाने के लिए हम जैसे क्या एम क्यूब इसको अलग लिख लेते हैं, एम क्यूब को अलग लिख लिया क्योंकि इसमें 9 का भाग जाएगा, सॉरी के क्यूब, ये के क्यूब को अलग लिख लिया। इसमें अब इसमें से हम प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं बाकी में से, तो ये आ गया के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3 ये आ गया अपने पास। अब फ्रेंड्स ये क्या है अपने पास, के क्यूब, के प्लस वन का क्यूब, के प्लस टू का क्यूब, ये अपने पास क्या है, यहाँ ऊपर देखिए ये है एन एन का क्यूब, ये के क्यूब, के प्लस वन का क्यूब, के प्लस टू का क्यूब, यही है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 9p प्लस, इसको हम 9 प्लस, इसको 9 जो मल्टीप्लाई में है के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3 जो, तो इसको हम 9 मल्टीप्लाई में जो भी है के स्क्वायर, इसको हम यही लिख देते हैं जैसे के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3 ये लिख दिया हमने। अब इसमें से 9 कॉमन आ गया, 9 आ गया तो ये आ गया पी प्लस के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3, 9 अपने पास कॉमन आ चुका है। अब हमें हमारे लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो संख्या है कोई पूर्ण हो, क्योंकि पूर्ण तभी विभाज्य होगी, पी क्या हमने, पी हमने पूर्ण माना था, और के क्या, के कोई नेचुरल नंबर्स हैं तो नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई करें या कुछ भी करें, तो यहाँ लिख देते हैं जहाँ पी के प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, अब ये प्राकृत संख्या हो गई तो ये अपने पास आ गया है जो पी प्लस के क्यू प्लस 3k प्लस 3 इक्वल टू कुछ मान लेते हैं हम आर, भी प्राकृत संख्या होगी, अब ये प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या तो इसको लिख सकते हैं हम 9r, ये 9r बार डिवाइड हो गई। तो इस तरह से अपने पास जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया अपने पास, जो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा यही सिद्ध करना था कि ये पी बराबर एम प्लस वन के लिए सिद्ध है, सत्य है, अतः कथन पी बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से आगमन सिद्धांत से अपना दिया हुआ कथन है, अपना दिया हुआ कथन, दिया हुआ कथन सत्यापित होता है, ये हो गया आपने जो कथन जो क्या था, ये था कि गणित सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग 9 से विभाज्य होता है। हमने पहले उसके लिए सॉल्व करने के लिए हम पहले n बराबर 1 के लिए सिद्ध कर लिया, उसके बाद हमने n बराबर k के लिए सत्य मान लिया, और मानने के बाद हमने n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सिद्ध कर दिया। अभी फ्रेंड जरूरी नहीं है जैसे हमने माना है n बराबर k के लिए माना है, आप n बराबर p मान सकते हो, n बराबर k प्लस 1 मान सकते हो, कोई भी संख्या मान सकते हो, और उससे अगली संख्या के लिए हमें ये कथन सिद्ध करना होता है, यही गणितीय आगमन सिद्धांत है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, अब फ्रेंड्स अपने पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी राजस्थान यूनिवर्सिटी 2014 2012 2009 कई बार पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, यदि ए तथा बी दो संपरिमित समुच्चय हैं, कोई फाइनाइट सेट्स हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि जो नंबर्स मोड का मतलब है नंबर्स, नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी मतलब जो ए यूनियन बी के मेंबर्स हैं उनका वो इक्वल टू होता है नंबर्स ऑफ एन मतलब मोड ए प्लस मोड बी माइनस मोड ए इंटरसेक्शन सी,
मतलब कि जो ए में है उनका ए के सेट्स के का जो नंबर है वो प्लस बी के सेट्स हैं दोनों को जोड़ दो और जो इंटरसेक्शन आ रहा है उसको घटा दो। अब हमें ये सिद्ध करना है इसमें। अब हमें ये सिद्ध करने के लिए हम पहले हमें सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं कि सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं सबसे पहले ए यूनियन बी बराबर क्या होता है। हम बाद में मोड से देख लेंगे, पहले ए यूनियन बी बराबर क्या होता है वो देखते हैं। यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय है तो ए यूनियन बी बराबर हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश इसमें हमने वो ले लिया, जैसे इसमें बी का पार्ट हमने पूरा हटा दिया, मतलब वही पार्ट है जिसमें, जैसे कि अपने पास हम वेन डायग्राम बना के चलते हैं, तो वेन डायग्राम क्या होता है आप इसकी हेल्प से ले सकते हो। ये ए है, ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। ये हमने सबसे पहले क्या लिया है, ए यूनियन बी बनाने के लिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए क्या है ये और इंटरसेक्शन इसका और बी डैश का इंटरसेक्शन, मतलब बी डैश का क्या है, बी डैश क्या है ये, तो हमने ये ले लिया। मतलब ए और इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन बी डैश अपने पास ये है, सॉरी ये बी डैश है, ये पार्ट जिसमें बी नहीं है, बी डैश का मतलब ये बी नहीं है, तो हमने ये ले लिया। तो अपने पास ये पार्ट अपने इंटरसेक्शन बी डैश से डिनोट कर दिया। उसके बाद हम इसी तरह हम क्या ले सकते हैं, यूनियन करके इस पार्ट को ले सकते हैं, इस पार्ट को। ये क्या अपने पास, ये बी इंटरसेक्शन ए डैश, क्योंकि ए डैश का मतलब ए को हटा दो तो ये आ जाएगा इधर का, तो ये आ जाएगा अपने पास यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये आ गया। इसके बाद हम ले सकते हैं, अब अपने पास ये लेना है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश तथा ए इंटरसेक्शन बी परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। अपने हमने ये ले लिया हमने, तो अब योग नियम क्या कहता है, अपने पास जो सम होता है वो योग नियम होता है अपने पास। अगर हम जो असंयुक्त समुच्चयों का योग करते हैं तो उनका बराबर के हो जाता है, मतलब ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा योग नियम से, क्योंकि सब अलग अलग हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस बी इंटरसेक्शन ए डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब अपने पास ये आ चुका है। अब हम दोबारा इसमें देखते हैं पुनः कि हमें अब ए लाना है, बी लाना है और ए इंटरसेक्शन बी लाना है, तो हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। अपने पास ये अपने पास वेन डायग्राम है, अब ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। हम इसमें लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस, मतलब यूनियन हमने एक तो ये ले लिया ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये वाला ले लिया हमने ए इंटरसेक्शन बी डैश यहाँ से इधर का, और दूसरा हमें लेना है ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। तो अपने पास मोड ए बराबर क्या आ गया, इससे अपने पास आ गया मोड ए बराबर, क्योंकि अब ये ऐसे संयुक्त हैं तो इनका योग नियम से ये हो जाएगा अपने पास ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये आ गया अपने पास ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये कर दिया हमने। अब ये करने के बाद हम इसी तरह मोड बी बराबर क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार मोड बी के लिए क्या करना है, हमें ये अलग से ये जोड़ना है प्लस इसका इंटरसेक्शन जोड़ना है, तो ये हो जाएगा अपने पास मोड ए, सॉरी मोड बी प्लस मोड ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये आ गया अपने पास। अब इससे अपने पास ये नॉर्म ए प्लस नॉर्म बी या मोड ए प्लस मोड बी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, मोड ए इंटरसेक्शन बी प्लस मोड ए इंटरसेक्शन, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी और सॉरी यहाँ पे भी मोड भी बराबर यहाँ आएगा, मोड ए इंटरसेक्शन बी और मोड भी बराबर मोड ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये आएगा।
तो ये आएगा अपने पास। अब हमने मोड ए प्लस मोड बी, तो मोड ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये आ गया अपने पास। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वो है, अगर हम एक ए इंटरसेक्शन बी डैश को बदल ले आते हैं, हम जैसे ए मोड ए प्लस मोड बी माइनस, हम एक को बदल ले आते हैं किसी को, मतलब इसको या इसको, इनमें से दो को एक को लाना है हमें, इसको नहीं, इसको या इसको। तो ये आ गया मोड ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर आ गया अपने पास ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस ये आ गया अपने पास ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया फ्रेंड्स। अब ये आ गया तो हमारे पास ये यूनियन बी का मोड बराबर क्या लिखा रहा था हमने, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश जो अपने नए में आया है, ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया अपने पास ये इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह ये आने के बाद हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मोड ए प्लस मोड बी माइनस मोड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू मोड ए यूनियन बी, जो कि हमें सिद्ध करना था। इस तरह गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा ये हमारे पास जो सिद्ध हो गया। फ्रेंड्स अपने पास ये अगला क्वेश्चन है, ये है एक समुच्च की गणनीयता को परिभाषित कीजिए, यदि ए बराबर ए बी सी तो समुच्च ए के घात समुच्च की गणनीयता ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स गणनीयता क्या होती है, सबसे पहले ये जरूरी है गणनीयता, इसको हम सॉल्व करते हैं इधर गणनीयता। फ्रेंड्स गणनीयता क्या होती है ये जान, ये सॉल्व करने के लिए हम किसी समुच्चय में अलग अलग अवयवों की संख्या को गणनीयता कहते हैं। मतलब कि हमारे पास कोई सेट होगा, इसको हम लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, किसी समुच्चय में अलग अलग अवयवों की संख्या को गणनीयता कहते हैं। फ्रेंड्स इसमें इसका मतलब यह है किसी समुच्चय में अलग अलग अवयवों की संख्या को गणनीयता कहते हैं, मतलब कि जो समुच्चय होगा उसमें अवयव होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे अगर कोई ये हम ले लें ए बराबर कोई समुच्चय ले लें, 1 2 2 3 इस तरह से ले लिया, तो अब इसकी गणनीयता ज्ञात करने के लिए हमें क्या जरूरी है, सबसे पहले किसी समुच्चय में अलग 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 करने के लिए हमें इस 1 2 अगर 2 दो बार आ रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे, 3 ये आ गया, ये आ गया। तो अपने पास अभी अलग अलग है, 3 2 कई बार भी नहीं, कहीं नहीं मिल रहा, 3 एक बार ही मिल रहा है, 1 एक बार ही मिल रहा है, तो ये हो गया। अब इसमें अवयवों की संख्या, अब इसमें अवयवों की संख्या क्या है, 3, अतः गणनीयता, इसकी गणनीयता क्या हुई, 3 हुई, ये इसकी गणनीयता हो गई। अगर फ्रेंड्स अब जैसे हम इसमें कुछ और भी डेफिनेशन ले लेते हैं, मान जैसे कि माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, ये हमने को दो समुच्चय मान लिए। अब ए की गणनीयता बी के समान होती है, के समान है यदि और केवल यदि, एफ एंड ओनली एफ की कंडीशन आ जाती है, यदि और केवल यदि ए से बी पर एक की संगति स्थापित है। मतलब कि फ्रेंड्स जैसे अपने पास ये कोई ए सेट है 1 2 3 और कोई दूसरा सेट है बी जिसमें ए बी सी, ये कोई ए सेट है ये कोई बी सेट है, एक एक की संगता मतलब ए से बी में हर पर एक है तो ये एक एक की संगता हो गई। फ्रेंड्स इसी प्रकार दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं,
ये तभी समान होंगी जब ये एक एक की हो, समझ, एक ही गणित समान है, तब ए से एक मतलब बी से भी इधर बराबर हो, तो इस तरह ये एक एक की हो जाती है, मतलब जो भी ये सेट्स होंगे वो एक एक ही होंगे, वो आच्छादक होंगे, तो उस कंडीशन में अपने पास उसकी गण्डितम निकाल सकते हैं, और गण्डिता उसके जो नंबर होंगे उसमें कितने नंबर है सेट में, ये गण्डिता हो गई। अब हम जैसे अपने पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या था, अब बस क्वेश्चन था वो, उसमें पूछा था यदि ए बराबर ए बी सी, वो तो समुच्च ए के घात समुच्चों की गणना कीजिए। ए के घात समुच्च, घात समुच्च का मतलब है जो कि ए के जो भी समुच्च बनेंगे ना उनका समुच्च क्या होगा। अब पहले हम ए के समुच्च बनाते हैं, ए बराबर है अपने पास ए बी सी, तो घात समुच्च को हम ऐसे दिखा देते हैं, घात समुच्च मान लिया ऐसे है, तो घात समुच्च ऐसे है तो पहले तो हम ए ले सकते हैं, ये ए ले लिया एक समुच्च इसका, एक इसका बी ले लिया, एक इसका सी ले लिया, इसके दो समुच्च, ये समुच्च हैं इसके, क्यों इसी के पार्ट हैं, इसी तरह हम ले सकते हैं ए बी, इसी तरह बी सी, ए सी एंड ले सकते हैं ए बी सी, एवं इसका जो घात समुच्च होता है कि ये होता है फाई, फाई मतलब कि हम ऐसा समुच्च जिसमें कोई भी समुच्च नहीं हो, कोई भी इसका अवयव नहीं हो, फाई फाई हर किसी समुच्च का उपसमुच्च होता है, ये हमें से ध्यान रखना है। तो मतलब इसके जो समुच्च, ये जो सेट था उसके हमने उपसेट बनाए, और उपसेटों का जो भी सेट बनाया हमने वो अपने पास घात समुच्च हो गया। अब इसकी गण्डिता प्राप्त करने के लिए, गण्डिता प्राप्त करने के लिए हम इनको, इनका सम कर सकते हैं। गण्डिता क्या हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन एस एस बराबर हो गया 8। अब फिर इसके लिए फॉर्मूला भी है, अगर जैसे एन पी ए, पी ए का मतलब है अपने पास ये ए है उसमें कितने नंबर हैं, इसमें 3 नंबर हैं, तो उसका होता है 2 की पावर n, मतलब n यहाँ पे ये है कितने नंबर हैं, n 3 है, तो इसके 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ 4 होते तो 2 की पावर 4, जैसे a बराबर अपने पास देते हैं, a बराबर देते हैं ए बी सी डी, तो इसके ऑफसेट कितने बनेंगे, वो बनेंगे 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, इस तरह हम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अपने पास अगला क्वेश्चन है, वो है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी 2013-2009 में पूछा गया, 2013-2009, ये जो क्वेश्चन है वो है अपने पास पास कपोत कोष्ठ सिद्धांत को परिभाषित कीजिए तथा इसके सत्यापन का एक उदाहरण दीजिए। अब सबसे पहले कपोत कोष्ठ सिद्धांत क्या होता है ये देखते हैं। तो कपोत कोष्ठ सिद्धांत होता है अपने पास, यदि सॉल्यूशन हम इसके डेफिनेशन लिखते हैं, जो होता है यदि कोई ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, मतलब ए कोई ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, तथा जो नॉर्म ऑफ ए बराबर नॉर्म ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ बी, मतलब ए में अवयवों की संख्या बी से ज़्यादा है, तो कोई एक एक पर फलन परिभाषित होगा, वो एफ ए से बी में इस प्रकार परिभाषित होगा कि कोई भी दो अवयव ले लें, ए जो भी ए से बिलोंग कर रहे हो जो, तो उसका जो फंक्शन जो होगा ना वो उसके इक्वल पे आ जाएगा। मतलब कि अब इसको हम देखते हैं, माना ए तथा बी कोई दो अवयव दो समुच्चय हैं, ये हमने कोई दो समुच्चय मान लिए, तथा साथ में हमने ये मान लिया मोड ए बराबर ग्रेटर देन मोड बी, ये मान लिया हमने। अब हमें जो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें करना है इसमें से कोई दो अवयव ले लेते हैं हम, जैसे इसमें से मान लिया x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ए, मतलब x1 और x2 को हमने ए में से दो पॉइंट मान लिए, ले लिए हमने, तो उसके लिए अगर हमारे पास आ जाए और साथ में हमने माना कि x1 इक्वल नॉट x2 ये हो, तो अपने पास आ जाना चाहिए f(x1) = f(x2), तो इस तरह का जो भी सेट होगा, इस तरह का जो भी सेट होगा वो अपने पास कपोस्ट को सिद्धांत के अकॉर्डिंग, मतलब उसको सत्यापन करेगा, ऐसा होगा। तो अब हम इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, इसका उदाहरण लेने के लिए हम जैसे हम मान लेते हैं ए बराबर, मान लेते हैं हम ए बराबर, हम मान लेते हैं सॉरी 1 -1 -2 -3 और 1 3 1 2 3, और बी बराबर हमने मान लिया
ये तो हमने ए बराबर मान लिया, वन माइनस सॉरी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू थ्री ये, और ये बी बराबर मान लिया हमने वन फोर नाइन, ये मान लिया हमने। और हमने कोई ए से बी में डिफाइन कर दिया, हमने कोई फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन फंक्शन कर दिया, जो मतलब जैसे यहाँ एफ एक्स है तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब हम इसको सत्यापित करने के लिए अब सबसे पहले देखते हैं नॉर्म ऑफ ए ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ बी, मतलब कि इसमें नंबर कितने हैं 6 और ग्रेटर देन इसमें कितने हैं 3, ये सत्य है अपने पास। अब अपने पास ये सत्य आ गया तो हमें ये फंक्शन इस तरह से करना है कि हमें इसमें इसमें जैसे हम एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माना है हमने, तो एफ जैसे हम इसमें से ले लेते हैं माइनस वन, एक्स वन बराबर ले लेते हैं माइनस वन और एक्स टू बराबर ले लेते हैं वन, तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू नहीं है, तो ये आ गया अपने पास, ये आ गया फ्रेंड्स अपने पास एफ एक्स वन बराबर वन, एफ एक्स टू बराबर वन, तो ये आ गया अपने पास एफ एक्स वन सॉरी सॉरी हाँ एफ एक्स बराबर ये आ गया एक्स वन इक्वल नॉट एक्स टू, तो ये क्योंकि वन और माइनस वन है, बट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है। अब फ्रेंड्स यहाँ कपोत कोष सिद्धांत में ये इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे हम यहाँ पे अगर ये फोर नाइन की जगह नाइन मान लें और एक और मान लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे हम फोर मान लें और यहाँ 16 मान लें, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें माइनस फोर भी चाहिए, नहीं हमें कोई कोई भी हमें दो पॉइंट चाहिए होते हैं इसके लिए, ज़रूरी नहीं है हमें हर पॉइंट के अकॉर्डिंग मिले, कोई भी दो पॉइंट ऐसे मिल जाने चाहिए जहाँ पे एक्स वन इक्वल नॉट एक्स टू हो, बट वहाँ पे जो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू आ जाए, कोई भी दो पॉइंट मिल जाए ए में कोई दो पॉइंट ऐसे मिल जाए जिनमें जिनकी जो मान रखने पे जो अपने पास फंक्शन माना है उसमें बराबर आ जाए, तो अपने पास वो कपूत को सिद्धांत को सिद्ध करेगा। फ्रेंड्स ये इसका सॉल्यूशन हुआ, अतः कपुष्ट कोष्ठ सिद्धांत सिद्ध हुआ। हम फ्रेंड्स इसमें कपुष्ट कोष्ठ सिद्धांत को दोबारा पढ़ लेते हैं। कपुष्ट कोष्ठ सिद्धांत कहता क्या है, अगर हमारे पास ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं और समुच्चय ए में बी से ज़्यादा अवयव हैं, ये है, और तो हमें ए में कोई कोई भी दो ऐसे अवयव मिल जाने चाहिए जहाँ पे वो एक्स वन बराबर एक्स टू नहीं होंगे, लेकिन जो बी में उनके जो फंक्शन होगा जो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे उसमें वो दोनों पे बराबर वैल्यू देना होगा, बस ये अगर ऐसा हो जाता है तो अपने पास वो कपुष्ट कोष्ठ सिद्धांत हो जाता है। फ्रेंड्स अब अपने पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन कहता है 100 विद्यार्थियों के एक समूह में, मतलब 100 विद्यार्थियों का कोई समूह है जिनमें प्रत्येक के पास कम से कम मतलब गणित है कंप्यूटर विज्ञान है सांख्यिकी है, और यह पाया जाता है कि 40 के पास गणित है, तो 40 मतलब कि अपने पास ये दिया हुआ है प्रश्न देख सकते हैं, उसको तो सॉल्व करते हैं, तो क्या दिया हुआ है 100 विद्यार्थियों का एक समूह जिनमें प्रत्येक के पास कम से कम गणित है कंप्यूटर है एवं सांख्यिकी है, मतलब कि अगर हम मोड ए मोड एम मैथमेटिक्स यू सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ सी कैलकुलस एंड यूनियन ऑफ कंप्यूटर साइंस इक्वल टू 100 दिया हुआ है, मतलब 100 स्टूडेंट हैं और साथ ही दिया हुआ है कि अपने पास 40 के पास गणित है, तो मोड एम बराबर